तो गाइस ये नैतिक का ये कूलर मोटर है, तो इसका ये 4 mAh का कैपेसिटर है, 0.8 एम्पियर लेता है और वाट 75 वाट का है। तो इस मोटर को हम रिवाइंड करने वाले हैं। ये नैतिक होम का कूलर मोटर है, तो इसका हम कोयल बनाएंगे। ये स्पीड कोयल है, ठीक है। 16 राउंड आएगा, 34 नंबर वायर से कॉपर, 34 नंबर वायर से 16 राउंड आएगा और लेंथ 39 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसको हम कोयल 4 सेट डालेगा, ठीक है। 2 स्पीड कोयल का 8 सेट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही डालना है, 1 से 4 में 2 राउंड, 1 से 6 में 3 राउंड डालना है, जो कि 34 नंबर वायर से है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फुल वीडियो वॉच करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो इसका फुल वाइंडिंग डाटा। मैंने इसको डाल लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो ये छोटा छोटा रहेगा, ऐसे 2 सेट डालना है, ठीक है। ये 4 कोयल से 1 सेट और 4 कोयल से 1 सेट डालना है इसको। तो ये स्पीड कोयल हो जाएगा, इसमें था पहले 8 टर्ने स्पीड कोयल था, मैंने 16 टर्ने इसको स्पीड कोयल में रखा है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं दूसरा कोयल डाल लेता हूँ इसका स्पीड कोयल। ये यहाँ से निकला और यहाँ से ये कैसे होगा, ये पहले 1 से 4 में 1 राउंड देना है, फिर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 राउंड देना है, फिर क्लॉकवाइज से निकल कर यहाँ पे 1 से 6 में घुसेगा, घुस के यहाँ पे 1 से 6 में 3 राउंड देना है, देके और इसका कनेक्शन स्टार्ट फिनिश करके कनेक्शन होगा। जैसे कि इस कोयल का है, यहाँ पे आया है, ये स्टार्ट से स्टार्ट आया है, फिनिश से फिनिश गया है, ठीक है। ऐसे ही इसका होगा। तो मैं डायग्राम के थ्रू लास्ट में दिखा दूंगा इसका स्पीड कोयल का कनेक्शन और कैसे डालना है, सब कुछ दिखा दूंगा। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। गाइज मैंने एक कोयल डाल लिया है, ठीक है, रनिंग कोयल, और एक है। तो ऐसे 4 कोयल डालेगा, इसका लेंथ होगा 39 सेंटीमीटर और इसका टर्न रहेगा 93 टर्न और वायर है 30 नंबर वायर से रिवाइंड करना है, ठीक है। तो मैं ये कोयल डाल लेता हूँ, डाल के आपको दिखाता हूँ। मैंने ये रनिंग का 4 कोयल डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट फिनिश करके कनेक्शन हुआ है। पहले मैंने स्पीड कोयल डाला था और फिर मैंने रनिंग कोयल डाला है, ठीक है। 2 स्पीड कोयल इसमें डाला है, आपको ड्राइंग के साथ पूरा दिखा दिया जाएगा। अभी स्टार्टिंग कोयल डालेंगे इसमें। गाइस स्टार्टिंग कोयल पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम रनिंग कोयल डालेंगे, 32 नंबर वायर से रनिंग कोयल डालेंगे। ये कॉपर वायर 32 है और ये रनिंग कोयल 30 नंबर से है, 30 नंबर SWG कॉपर का है और ये 32 नंबर का SWG कॉपर का है, ये स्टार्टिंग कोयल है। तो स्टार्टिंग कोयल जाने से पहले मैं आपको रनिंग कोयल के पूरे ड्राइंग दिखा देता हूँ। आपको वीडियो में बोला है लेकिन ड्राइंग भी दिखा देता हूँ आपको कैसे डालना है इसको। देख लीजिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है रनिंग कोयल का, यहाँ से लेंगे, ये 1 से 4 में ऐसे 2 राउंड देना है, ठीक है। 2 राउंड देना है, देखे आपको, या 1 से 6 में 3 राउंड देना है, 3 राउंड देखे ये निकलेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे और 4 कोयल बनाएंगे। तो आप लेयर वाइज बनाएंगे तो कैसे डालना है, तो मान लीजिए ये स्लॉट है, ये दोनों स्लॉट है, ये दोनों स्लॉट है, ठीक है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये 1 कोयल है, ठीक है, ये 1 कोयल है। ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ के आपको यह दूसरा कोयल
देना है, मतलब दो राउंड देना है। देख के सेम उसी तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे लेयर वाइज इसमें तीन राउंड देना है, एक दो और फिर तीन राउंड। तीन राउंड देने के बाद आपको निकलेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको फिनिश निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिनिश निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये दोनों तार इसी में घुसाना है, ठीक है, इसी में घुसाना है। इसी में घुसाने के बाद आपको लेयर वाइज इसको क्लॉक वाइज में देना है, देख के फिर यहाँ पे तीन राउंड क्लॉक वाइज देना है। देने के बाद ये स्टार्टिंग सिरा है, ठीक है, ये स्टार्टिंग सिरा है, ये फिनिश सिरा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी देना है, ठीक है, यहाँ पे भी देना है एक राउंड, दो राउंड, फिर एक से छः में तीन राउंड देना है। तीन राउंड हो गया एक से छः में, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से फिनिश, ठीक है, तो इसका फिनिश इसके फिनिश से जोड़ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, इसका स्टार्ट से इसका स्टार्ट जोड़ जाएगा इसका फिनिश, ये स्टार्ट है, सॉरी ये फिनिश है, फिनिश ये फिनिश है, ये स्टार्ट है, ठीक है, तो इसका स्टार्ट से इसका स्टार्ट जोड़ जाएगा, यहाँ निकलेगा फिनिश। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी दो राउंड देना है, देखे एक से छः में तीन राउंड देना है। तीन राउंड देने के बाद यहाँ पे जो फिनिश निकला है इसके फिनिश से जोड़ देंगे, इसके फिनिश से जोड़ देंगे, यहाँ से एक स्टार्ट लीड निकलेगा, ठीक है, लीड टू, और ये वाला जो है स्टार्ट लीड वन, तो ऐसे इसका होगा। तो सेम इसी तरीके से आपको लेयर वाइज कोयल 16 टर्न देना है, 16 टर्न, ठीक है, और 39 सेंटीमीटर गोलाई में रखना है, ठीक है, 39 सेंटीमीटर गोलाई में रखना है, 16 टर्न देना है आपको। सेम इसी तरीके से और एक कोयल डालेगा जो कि रनिंग मेन कोयल है, सेम उसी तरीके से डालना है, ठीक है, इसमें टर्न रहेगा, तो मैं दिखाता हूँ, तो ये स्पीड कोयल वन है, ठीक है, इसमें 16 टर्न देके स्पीड कोयल वन है, ये स्पीड कोयल वन, सेम उसी तरीके से सेम टर्न है, सेम सेंटीमीटर, सेम गोलाई, सब कुछ, ये स्पीड कोयल टू डालना है, और एक लेयर डालना है, 16 टर्न देके 39 सेंटीमीटर गोलाई में रखना है। सेम उसी तरीके से कनेक्शन होके ये स्पीड कोयल टू होगा, ठीक है, तो मैं फिर भी यहाँ पे ड्राइंग कर लेता हूँ। सेम उसी तरीके से ड्राइंग कर लेता हूँ, ठीक है, फिनिश से फिनिश, स्टार्ट से स्टार्ट, फिनिश से फिनिश, ये स्टार्ट लीड टू, लीड वन, ये स्पीड कोयल टू है, तो ऐसे स्पीड कोयल वन, स्पीड कोयल टू डालना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नीचे से ये थोड़ा सा थिन पतला हुआ डाला हुआ है नीचे से, ठीक है, और अभी आएंगे मेन कोयल, तो मेन कोयल हम कैसे बनाएंगे, इसका टर्न कितना रहेगा, मेन जो रनिंग कोयल, मेन रनिंग कोयल, ठीक है, मेन रनिंग कोयल, मेन रनिंग कोयल में सेम उसी तरीके से होगा, यहाँ से एक से चार में दो राउंड देना है, देने के बाद यहाँ से निकल के एक से छः में डालना है तीन राउंड, ठीक है, सेम उसी तरीके से एक से चार में दो राउंड और एक से छः में तीन राउंड, एक से चार में दो राउंड, एक से छः में तीन राउंड, एक से चार में दो राउंड, एक से छः में तीन राउंड, तीन राउंड ऐसे डालना है, और फिर ये
फिनिश के साथ फिनिश, ये फिनिश, ये फिनिश, ये स्टार्ट, इसके स्टार्ट से स्टार्ट, ये फिनिश से फिनिश, और यहाँ से स्टार्ट लीड निकलेगा, लीड टू स्टार्ट लीड वन। तो ऐसे में आपको देना है टर्न, देना है 93 टर्न, SWG होगा 30 नंबर कोपर वायर से, ठीक है, 93 टर्न 30 नंबर कोपर वायर से, और इसका कोयल साइज, कोयल साइज होगा 13, इसमें 40 सेंटीमीटर देना होगा, ठीक है, 40 सेंटीमीटर देना होगा, नहीं तो कोयल थोड़ा छोटा हो जाएगा, स्टार्टिंग डालने में प्रॉब्लम होगा। इसमें 40 सेंटीमीटर आपको देना है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर देना है। तो अब हमारा जो सिर्फ रनिंग कोयल डालने से लीड आएगा, स्टार्टिंग में 1 2 3 और फिनिश में 1 2 3, एक होगा आपका मेन कोयल का, ये मेन कोयल का है, मेन कोयल का है, मेन रनिंग कोयल का, और ये दोनों स्पीड कोयल का है, ठीक है, स्पीड वाला 2 है, ये सेम उसी तरीके से स्पीड वाला 2 है, और ये मेन कोयल का एक लीड है। तो आप ड्राइंग ये देख लीजिए, ठीक है, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, रनिंग डाला हुआ है तो मैं दिखा देता हूँ। ये जो स्टार्टिंग किया है इधर से, ये जो मोटा है ये 30 नंबर है, और ये पतला पतला 2 है, ये आपको 34 नंबर वायर से डाला हुआ है, जो कि स्पीड कोयल से है, यहाँ से लीड निकला है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे पतला पतला 2 34 नंबर वायर से स्पीड कोयल है, और ये 30 नंबर वायर से मेन रनिंग कोयल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कोयल डालने से पहले यहाँ पे 3 लीड, यहाँ पे 3 लीड आया है। अभी हम स्टार्टिंग कोयल डालेंगे, तो इसमें आपको जो स्पीड कोयल में गेज आएगा 34 नंबर गेज आएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टार्टिंग कोयल डाला हुआ है, अब लीड लेयर बना के रखा है स्टार्टिंग कोयल, इसमें 120 टर्ने देना होगा, 118 दे सकते हो, 120 टर्ने 32 नंबर वायर से देना पड़ेगा। तो मैं ये वाला डाल लेता हूँ, डालने के बाद आपको दिखाता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रनिंग कोयल जो 1 से 4 में डाला था, तो इसमें डबल कोयल आएगा, डबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 4 में डालना है, फिर ये 1 से 6 में खाली स्लॉट रखा हुआ है, ठीक है। पहले आप यहाँ से मैंने लीड निकाला है, दोनों लीड, ठीक है। तो इसी में 1 से 4 में एक राउंड ही सिर्फ देना है, और 1 से 6 में 3 राउंड देना है स्टार्टिंग कोयल, जो कि 32 नंबर वायर से है 118 टर्न, और गोलाई है आपका 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी इसको क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे, ये वाला सिरा यहाँ से घुमा के ऐसे देना है, ठीक है, 3 टर्न, और ये वाला यहाँ पे रखा जाएगा जैसे है ऐसे, ये वाला को घुमाना है ऐसे क्लॉकवाइज। तो दिखाते हैं आपको कैसे घुमाते हैं। तो देख सकते आप ऐसे इसको क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना है, 1 से 6 में डालना है, ठीक है, 3 बार 1 से 6 में डालना है। गाइस देख सकते आप, मैंने स्टार्टिंग कोयल डाल लिया है, ये 1 से 4 में एक बार, और 1 से 6 में 3 बार, 3 राउंड, देख सकते आप ऐसे यहाँ से आए आके यहाँ पे, तो ऐसे देना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देना है, ठीक है। तो मैं और 3 सेट डाल लेता हूँ, ठीक है, और 3 सेट डालने के बाद आपको दिखाता हूँ। मैंने पूरा कोयल डाल लिया है, देख सकते आप। तो इसको अभी हम सेपरेट पेपर डालेंगे, डाल के इसको सिलाई कर देंगे, तो अच्छे से लुक आ जाएगा इसका, और कोयल पूरा बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे आप ये कैप नहीं लगा सकते हो, आप पुश कैप, ठीक है। तो सब कुछ ध्यान में रखना है, साइज़ छोटा बड़ा ना हो। तो अभी ये फिलहाल ये साइड में सिलाई कर लेता हूँ, सिलाई करने के बाद ये साइड लीड निकलेगा, लीड निकाल के सिलाई करके आपको दिखाते हैं, और इसका ड्राइंग भी हम देंगे कनेक्शन कैसे होगा, ठीक है गाइस।
वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नए मैकेनिक को मिल सके ये वीडियो और वो भी बना सके। ठीक है, थैंक यू। मैंने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कोयल डाल लिया है, तो आपको अभी ड्राइंग दिखाते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से आप एक कोयल, ये जो लीड, यहाँ से लीड आएगा, तो इसको ऐसे एक से चार में दो बार घुमाना है और एक से छः में तीन बार घुमाना है। तो ऐसे घुमा के, मतलब स्टार्ट से स्टार्ट, फिनिश से फिनिश, स्टार्ट से स्टार्ट, ऐसे 16 टन 39 सेंटीमीटर गोलाई में रखना है। ऐसे दो सेट बनाएंगे स्पीड कोयल का और मेन रनिंग कोयल का, सिर्फ सेम इसी तरीके से कनेक्शन होगा। टर्न रहेगा 93 SWU 30 और कोयल साइज रहेगा 44 नंबर। ठीक है, और स्टार्टिंग का रहेगा एक से चार में एक राउंड, एक से छः में तीन राउंड, और इसका रहेगा 32 नंबर गेज है, 33 सेंटीमीटर, इसको गोलाई में रखना है। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, फुल वीडियो वॉच करें, थैंक यू दोस्तों। कोयल बन के रेडी हो चुका है, तो मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा था। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, और फिर यह जैसे कनेक्शन किया है ऐसे ही है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम आपको दिखा देते हैं कैसे कनेक्शन होगा। तो गाइस, मैंने ये दिखाया था, ये कनेक्शन ये सिर्फ रनिंग का है। ठीक है, ये रनिंग मेन कोयल का है, ये स्पीड रनिंग स्पीड कोयल का है। तो रनिंग का हम कनेक्शन कैसे करेंगे इसको दिखा देते हैं। तो रनिंग का एक सिरा यहाँ से निकला है, ठीक है, ये वाला एक सिरा है जो कि स्टार्ट है ये स्पीड कोयल का, और ये दूसरा सिरा है जो स्टार्ट है स्पीड कोयल का, और फिर ये है तीसरा सिरा जो है मेन कोयल का। ठीक है, ये यह स्टार्ट से निकला है, यह भी स्टार्ट से निकला है, यह दोनों है, यह स्टार्ट है। ठीक है, यह स्टार्ट से निकला है लीड। ठीक है, तो यह स्पीड कोयल है, यह स्पीड कोयल है, यह भी स्पीड कोयल है, यह मेन रनिंग कोयल है, यह स्पीड है, यह मेन है। ठीक है, तो कनेक्शन कैसे करना है, यहाँ से एक मेन ले लेते हैं। ठीक है, मेन एक ले लेते हैं, इसमें रेड लगा देंगे, रेड ये रनिंग है, रनिंग लीड वन। ठीक है, रनिंग एल वन है, और फिर यहाँ से निकला है। ठीक है, ये रनिंग का मेन है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसी वायर को इसके साथ जॉइंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जॉइंट कर देंगे, ये वाला जॉइंट कर दिया है हमने। ठीक है, ये आपका पहला स्पीड निकल के आ जाएगा, स्पीड वन। ठीक है, स्पीड वन निकल के आएगा, तो यहाँ से इस कोयल में आया है। ठीक है, इस कोयल में आया तो इस कोयल में मिलेगा। ठीक है, कनेक्शन ये दो नंबर है ना, तो इस दो नंबर पे आएगा, तो इसी दो नंबर को यहाँ से लेके आएंगे, और लेके आके इसी एक नंबर को जोड़ना है। ठीक है, इसी एक नंबर को जोड़ना है, इस दो नंबर से इस एक नंबर को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा स्पीड टू है। ठीक है, यहाँ से स्पीड टू निकल के आएगा, फिर यहाँ से बचा एक की लीड जो हम स्पीड थ्री दे देंगे। ठीक है, स्पीड थ्री, यहाँ से हो गया हमारा स्पीड थ्री। तो ऐसे रनिंग में आएगा स्पीड वन, स्पीड टू, स्पीड थ्री। और स्टार्टिंग कोयल कैसे बनाना है, स्टार्टिंग कोयल आपको दिखा देता हूँ। ये स्टार्टिंग कोयल कैसे बनाना है, तो ऐसे आपका एक से चार में, ठीक है, चार में एक राउंड होगा, फिर एक से छः में तीन राउंड देना है। ठीक है, एक से छः में तीन राउंड देना है, और यहाँ से लीड निकला है, सेम उसी तरीके से
जैसे रनिंग डाला था सेम उसी तरीके से इसको भी निकल लेना है, ठीक है। सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक से चार में एक बार और एक से छः में तीन बार, एक से चार में एक बार, एक से छः में तीन बार, ठीक है। और फिर यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्ट फिनिश से फिनिश जोड़ देंगे और स्टार्ट से स्टार्ट जोड़ देंगे, फिनिश से फिनिश जोड़ देंगे, तो यहाँ से एक स्टार्ट निकलेगा। तो रनिंग कॉइल ऐसे होगा स्टार्ट से स्टार्ट। तो हम अभी कॉमन कैसे बनाएंगे आपको दिखा देते हैं, ठीक है गाइस। ये देख लीजिए, ये रनिंग कॉइल है, ये रनिंग कॉइल है, ये रनिंग कॉइल है, ठीक है। और फिर आपको स्टार्टिंग कॉइल दिखाएंगे, पहले रनिंग कॉइल समझ लेते हैं हम अभी। तो यहाँ से हमारा निकला है, ठीक है, एक है जो कि एल वन है, ये रनिंग कॉइल का एल वन है, ठीक है। और फिर इस कॉइल से हमारा निकला है, ठीक है, ये यहाँ से फिनिश, ये स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, ये फिनिश से फिनिश हो जाएगा, ये स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकला और यहाँ से निकला हमारा, तो यहाँ से हमारा तीन स्पीड निकला है, एल टू, एल थ्री, एल फोर, ये रनिंग कॉइल के लिए, ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग कॉइल कहाँ पे बिठाएंगे, सी ये यहाँ पे जो स्टार्ट किया है इसके बाएं ओर से, ठीक है, बाएं ओर से हम बिठाएंगे। तो यहाँ पे हमने बिठाया एक स्टार्टिंग कॉइल, ठीक है, और यहाँ पे बिठाया एक, यहाँ से बिठाया एक, यहाँ से बिठाया एक। तो स्टार्टिंग कॉइल का सेम इसी का जैसे कि यहाँ से हमने पकड़ा है, ठीक है, लीड इस साइड से पकड़ा है, लेफ्ट साइड से, तो इसका भी लीड लेफ्ट साइड से पकड़ेंगे। और इसका जो फिनिश का सिरा है इसके फिनिश से सिरे से जुड़ जाएगा, फिर इसके स्टार्ट से, इसके स्टार्ट से मिल जाएगा, फिर इसके फिनिश से, इसके फिनिश से मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा ये स्टार्टिंग का एल टू, ये स्टार्टिंग का एल वन है। तो अभी हमारा टोटल कनेक्शन निकला है, यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, पांच, यहाँ पे स्पीड कॉइल में तीन और फिर एल टू में स्टार्टिंग में एक और स्टार्टिंग में दो, तीन दो पांच और एक छः मिला है हमको। तो अभी हम इसको कैपेसिटर के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे दिखाते हैं। तो पहला हमारा ये एक सिरा है, ठीक है, यह दूसरा सिरा है, यहाँ पे स्टार्टिंग का है, ठीक है। तो इस साइड से सिर्फ दो ही निकलेगा ना दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ दो निकलता है, एक साइड से दो निकलेगा। अगर आप, मैंने जैसा कनेक्शन दिखाया जैसा आप कोयल अगर बिठाते हो, तो जैसे कि ये रनिंग कोयल यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, इस कोयल से मैंने पहला लीड निकाला और फिर इस तरफ कनेक्शन किया है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्शन किया है, तो स्टार्टिंग वाला लीड लेफ्ट साइड में, उसी के बगल में लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में आएगा। और फिर लेफ्ट साइड में अगर आएगा तो ऐसे कनेक्शन यहाँ पे स्टार्टिंग मिलेगा, उसके ठीक बगल से यह स्टार्टिंग का भी एक लीड निकलेगा। तो यहाँ से यह दो, ये स्टार्टिंग लीड है और ये रनिंग लीड है, ठीक है, ये रनिंग लीड है। तो यह वाला एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये 4 mFp का कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर का एक सिरा ये स्टार्टिंग में दे देंगे और एक सिरा रनिंग में दे देंगे, ठीक है, रनिंग में देंगे और यहाँ से एक सिरा लेके यहाँ पे फेज दे देंगे, फेज दे दिया, उधर से निकला हमारा एक दो तीन और एक स्टार्टिंग का, मतलब ये स्पीड SP1 SP2 SP3 ये तीन निकला है और ये स्टार्टिंग L2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये SP1 सीधा लेके आएंगे, ये SP2 सीधा लेके आएंगे और यहाँ से SP3 और यहाँ पे जो स्टार्टिंग है इसको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये SP3 और ये स्टार्टिंग लीड जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा कॉमन वायर आ जाएगा। तो अभी हमारा यहाँ पे आया स्पीड 3, स्पीड 2
ये स्पीड वन, ठीक है। तो स्पीड वन में और स्पीड टू में स्विच के थ्रू हम तो न्यूट्रल यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे फेज दे देंगे तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसको बनाना है। अभी हम इसको बार्निश दे देंगे। बार्निश देने के बाद अभी मैंने इसको चेक किया है, ठीक से अच्छे से काम कर रहा था। तो जानकारी बस यही है जानकारी, और फिर मैं आपको दूसरे बार डाटा दिखा देता हूँ, ठीक है। आप डाटा देख लीजिए, स्टार्टिंग में 1 से 4 में 1 राउंड, 1 से 6 में 3 राउंड होगा। कोयल साइज 32 है, आप 33 सेंटीमीटर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और या फिर जो स्टैंडर्ड गेज रहेगा ये 32 नंबर एयर का रहेगा, ठीक है। और कोयल टर्न रहेगा 118 टर्न टोटल। इसका वेट मैंने निकाला नहीं है, इसका वेट निकालेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे बाद में। तो ये समझ में आ गया स्टार्टिंग वाला। अभी रनिंग में आते हैं। रनिंग ये जो डाटा जो आपको दिखा रहा हूँ ये स्पीड कोयल के लिए, ये 1 से 4 में 2 राउंड देना है, 1 से 6 में 3 राउंड देना है स्पीड कोयल राउंड, ठीक है। ये 39 सेंटीमीटर का होगा स्पीड कोयल राउंड, 39 सेंटीमीटर का होगा। कोयल टर्न रहेगा 16 टर्न रहेगा। ये स्पीड कोयल का डाटा है। स्पीड कोयल ऐसे 16 टर्न दे के 2 सेट निकालेंगे, ठीक है। 2 सेट मतलब 2 स्पीड का निकालेंगे, तो 2 स्पीड का टोटल आएगा आपका 8 कोयल। मैंने यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कि यह स्पीड कोयल में ये स्पीड कोयल, ये 4 सेट मिलके 1 स्पीड कोयल, ये 4 मिलके 1 स्पीड कोयल, ठीक है। तो ऐसे स्पीड कोयल आपको निकलना है, लेना है। और अभी हम बात करते हैं मेन कोयल। तो मेन कोयल का टर्न रहेगा 93 टर्न, और कोयल का साइज आप 40 सेंटीमीटर कर दीजिए इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो स्टार्टिंग डालने में प्रॉब्लम ही होगा। तो यहाँ पे मैं भी लिख लेता हूँ 40 सेंटीमीटर, 39 भी चलता है लेकिन 40 होने से अच्छा होता है। तो मैंने 40 सेंटीमीटर कर दिया है, और इसका स्टैंडर्ड गेज रहेगा 30 नंबर, ठीक है। तो ये SWG जो ये है स्पीड कोयल का, ठीक है। तो ये जो स्पीड कोयल है, स्पीड कोयल इसमें 34 नंबर वायर यूज करना है। और ये जो 4x8 टोटल सेट आएगा, टोटल रनिंग का स्पीड कोयल और फिर आपका मेन कोयल मिलके 240 ग्राम आएगा, ठीक है। और सिर्फ मेन कोयल में आपका टर्न मतलब वेट आएगा 55, ठीक है। ये कोयतन का वायर होगा, 55 आपका वेट आएगा। किसी किसी के पास अगर यह कोयल थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है या फिर टर्न कम ज़्यादा हो जाता है तो वेट में आपका डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर सेम टू सेम आप दोगे तो वेट में डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेट मिले और भी वीडियो हम बनाए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही तकलीफें होती है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।